नमस्कार दोस्तों, राज एमटीडी में आपका स्वागत है। अभी अभी मुझे बजड़ों की ढाणी से एक रेस्क्यू कॉल आया है। ये सुरेंद्र जी है, ये इनका घर है और आप देख सकते हैं घर का काम चल रहा था और ये नाल है घर की और इसके नीचे एक सांप बैठा हुआ है। सांप मुझे नजर आ गया, कोबरा प्रजाति का सांप है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, इस सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं और दूर ले जाके जंगल में छोड़ेंगे। देखिए मुकेश साहब, अभी रीस आएगी पूरी सर वाले ऊपर नाल ना आप यार अट गए तो तेरी गणमरा ओए तो डेमो भी तेल ही बाड़े दंगा ना हटा की बत्ती अभी बत्ती है कोई देखो ठीक है बत्ती है निमर थोड़ी है कोई इधर ले लो ले लो पैसा ले लो ले लो की कर ले लो अब बाहर देख लो कौन ने बता देख ले हां 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 बहुत जानदार बहुत जानदार। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस कोबरा को मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था उसको मैंने करीब करीब रेस्क्यू कर लिया। करीब 4 फीट इस सांप की हाइट है और बहुत ही अच्छा और हेल्थी कोबरा है। इस सांप के बारे में मैं यहाँ खड़े लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसको हमारी मारवाड़ी भाषा में कालिंदार कहते हैं, हिंदी में नाग कहते हैं और इंग्लिश में कोबरा कहते हैं। और वैज्ञानिक नेम इसका नाजा नाजा है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है जो अगर यह किसी इंसान को काट ले और समय पर इलाज ना मिले तो 2.5 से 3 घंटे में इंसान की मौत हो जाती है। इस तरीके का सांप कभी आपको नजर आ जाए तो उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। इस तरीके के सांप बड़े खतरनाक होते हैं। चलो दोस्तों, इस सांप के बारे में मैं बहुत सारी जानकारी दे चुका हूँ, अब इसको रेस्क्यू कर लेते हैं और दूर ले जाकर जंगल में छोड़ेंगे। जानकारी हंगी और बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला देखा मैंने जिंदगी में ऐसा मामला, इसीलिए मैंने आया। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस कोबरा को मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था उसको मैंने बगैर कोई चोट पहुंचाए सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है और अब इसको दूर ले जाके जंगल के अंदर रिलीज करेंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे राज एमटीडी नाम से मेरा चैनल है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम। नमस्कार दोस्तों,
आज एमटीडी में आपका स्वागत है। दो ढाई घंटे पहले मैंने जो कोंपड़ावास के पास से बोलाराम जी गुजर के वहाँ से जो कोबरा रेस्क्यू किया था, इसको मैं इसके नेचर में रिलीज करने के लिए आया हूँ। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, इसको इसके नेचर में जंगल में रिलीज कर रहे हैं ताकि ये अपनी बाकी की ज़िंदगी यहाँ पर आराम से जी सके। अच्छा दोस्तों, मैंने इसको इसके नेचर में रिलीज कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डरे हुए परिवार की हेल्प करते हुए, किसी रेप्टाइल की जान बचाते हुए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सावधान रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत।